Have you ever wondered why do we look like our parents? So welcome to Science Pedagogics, Science Made Easier. Our today's topic is heredity, जिसके कारण हमें कुछ ऐसे answers मिलेंगे कि हम अपने parents से क्यों resemble करते हैं और क्यों हम किसी एक parent की तरह ज़्यादा लगते हैं और एक parent की तरह कम लगते हैं. So to start with this topic, human body जो है कई organ system से मिलके बनी हुई होती है. हमें पता है हमारी बॉडी में कई ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इंक्लूड्स लंग्स, एल्वियोलाइज, ब्रोंकियोल्स, जिसके कारण हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. और एग्जांपल है सिस्टम का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें आता है हमारा हार्ट, हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती हैं. आफ्टर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. हम खाना खाते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करने का काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का. इसमें इंक्लूडेड होता है हमारा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, एनस, रेक्टम एक्सेट्रा. उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कई सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है. ये हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए, और जैसे रिप्रोडक्शन में भी हॉर्मोन्स काम आते हैं एक्सेट्रा. देन वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसी प्रोजेनी जो है प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंक्लूड्स ओवरीज, टेस्टिस एक्सेट्रा. देन वी हैव स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी में बोन्स हैं, कार्टिलेज है, मसल्स हैं, दोज आर ऑल इंक्लूडेड इन स्केलेटल सिस्टम. After skeletal system, we have another example, nervous system. हमारे nervous system में आता है हमारा brain. ये organ systems मिलके बने हुए होते हैं कुछ organ से, और कुछ major organs जिनके नाम आपको ज़रूर पता होंगे, उनमें से है lungs, जो कि respiratory system बनाता है. Then we have heart, जो कि cardiovascular system बनाता है. Lungs respiration में काम आता है, इसलिए respiratory system बनाता है, और heart हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाता है. हार्ट के बाद और कुछ ऑर्गन आते हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऑर्गन्स ही होते हैं. अपार्ट फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिवर, लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. लिवर का काम होता है बाइल सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन. हमारी बॉडी में जितने भी बैड मटेरियल है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो सब लिवर के थ्रू पास होके नॉन टॉक्सिक बन जाती है. देन वी हैव किडनीज इन एक्सक्रीटरी सिस्टम. किडनीज जो है हमारी वेस्ट मटेरियल को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. आफ्टर किडनीज वी हैव ब्रेन. ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमें पता है ब्रेन एंड हार्ट आर वाइटल ऑर्गन्स. ओके, सो दीज ऑर्गन्स, ये भी कुछ छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं. इनको कहते हैं सेल. मैनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू विच फॉर्म्स ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है हमारी बॉडी को. सो बेसिकली सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है और हमारी बॉडी का फंक्शन भी करता है. इन सेल्स का एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम. ऑलवेज रिमेंबर, क्रोमोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारी बॉडी की जो नेचर है या हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर है, हम कैसा दिखते हैं, हम कैसा बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, उन सब का जो इंफॉर्मेशन है वो प्री स्टोर्ड है क्रोमोसोम में. क्रोमोसोम एक्चुअली एक तरीके का प्रोग्रामिंग डिवाइस है. उसमें प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो रखी है कि हम कैसे हैं और हम क्या करेंगे. एंड क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फीचर्स ऑफ आर बॉडी, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में. अब इन क्रोमोसोम्स में ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. मतलब 23 पेयर का मतलब हो गया इन टोटल 46 क्रोमोसोम्स. अब ये 46 क्रोमोसोम्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं. इन 46 क्रोमोसोम्स में से आधे 23 मिलते हैं हमें हमारे फादर से, और आधे 23 मिलते हैं हमें हमारी मदर से. दैट मीन्स हाफ सेट फ्रॉम आवर मदर एंड हाफ सेट फ्रॉम आवर फादर. नाउ दिस क्रोमोसोम, इट ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू अस. जब हमारे पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं हमें, तो उनमें से कुछ सेल्स हम में आते हैं, और उन सेल्स के साथ आते हैं क्रोमोसोम्स, और उन क्रोमोसोम्स के साथ आते हैं हमारे मदर फादर के कैरेक्टर. एंड दिस पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम आर पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज नोन एज हेरिडिटरी, एंड दिस इज द रीजन वाई वी लुक लाइक देम, वी एक्ट लाइक देम.
So please like, share and subscribe the video if you liked it. And of course, let us know अगर आपके ऐसे ही videos के और भी कुछ doubts हैं. We'll make videos on all the topics possible.